दोस्तों, अपनी लाइफ में हर इंसान कभी ना कभी प्लॉट की खरीदारी जरूर करता है, और वह जब भी प्लॉट की खरीदारी करता है, प्लॉट खरीदता है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है दोस्तों, तो उसका एक डर होता है कि जो पार्टी ने, जो सामने वाली पार्टी है जिसका प्लॉट है, तो जो उसने जो एरिया बताया है कि भाई उसका जो प्लॉट है 100 गज का है, 150 गज का है, 200 गज का है, 500 गज का है, तो क्या वो प्लॉट उतने गज का है? तो आप उस चीज को कैसे चेक करोगे, प्लॉट की मपाई जो है कैसे करते हैं? तो आज की बेसिकली जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है कि प्लॉट की मपाई कैसे करते हैं। तो आपको मैं बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से आपको समझाऊंगा। आपका जो एरिया है दोस्तों, वो क्या है कि थोड़ा हो सकता है कि भी कम बत्ती हो, कम ज़्यादा हो, बाकी जो मैटर है दोस्तों वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बस आपको क्या है, लंबाई चौड़ाई जो है वो थोड़ा चेंज कर देना है, बाकी जो है तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्लॉट लिया है, ठीक है, मैंने एक प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ किया है, और जो सामने वाले का जो तरफ है दोस्तों, ये मान लिया मैंने एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। तो ये मेरा जो प्लॉट मैंने लिया दोस्तों, इसकी जो मैंने डायमेंशन मतलब लंबाई जो चौड़ाई जो मैंने ली है दोस्तों, वो मैंने लिया है दोस्तों 30 फीट बाई 30 फीट, ठीक है। तो 30 फीट बाई 30 फीट, मतलब 30 इसकी चौड़ाई है, 30 इसकी लंबाई है। तो ये मैंने एक प्लॉट का डायमेंशन लिया है। आपका जो भी प्लॉट है दोस्तों, वो जो भी साइज हो, बस आपने क्या है, आपने फीता मारना है। फीता आपने क्या है, इस कोने पे रखना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका एक एज है, ये एज है, और यहाँ से आपका जो लास्ट का जो एज है वहां तक आपने इसको माप लेना है। आपने इसको क्या है, फिट में मापना है, ठीक है भाई। मान लीजिए आपका कंप्लीट फिट भी हो सकता है, और इंचीज भी आ सकती है, कि मान लीजिए 30 फुट, मैंने तो यहाँ पे क्या 30 फिट पूरा ले लिया है। हो सकता है आपका 30 फुट 2 इंच हो, 30 फुट 3 इंच हो, 30 फुट 1 इंच हो, 30 फुट 5 इंच हो, 30 फुट 6 इंच हो, या जो भी हो, ठीक है, वो आपने क्या है नोट कर लेना है, ठीक है। फिर उसकी जो है चौड़ाई, ये आपका 30 फुट 2 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, जो भी है आपका, जो भी है, ठीक है, वो आपने वहां पे इसको क्या है लिख देना है। बाकी जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। अब आगे देखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लिया है प्लॉट, तो प्लॉट की जो लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 30 फिट, ठीक है। प्लॉट की जो चौड़ाई है दोस्तों वे है आपकी 30 फिट, ठीक है। प्लॉट का जो एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 30 फीट बाई 30 फीट को जब हम लंबाई चौड़ाई करेंगे तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा आपका 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एक चीज आपको दोस्तों ये क्या है ध्यान रखना है कि अगर आपने जो एरिया है वो फिट में लिया है, ठीक है, अगर आपने जो एरिया है वो फिट में लिया है तो वो क्या है स्क्वेयर फीट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपने जो लंबाई चौड़ाई दोस्तों वो अगर आपने जो है वो फिट में ली है तो आपका एरिया आ जाएगा फिट में, ठीक है। अगर आपने जो है लंबाई चौड़ाई जो है वो स्क्वायर मीटर में लिया है दोस्तों, तो आपका जो है एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। और अगर आपने जो है लंबाई चौड़ाई वो यार्ड में लिया है तो आपका एरिया आ जाएगा स्क्वायर यार्ड में। बस सिंपल सा आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं जो है गलती हो जाएगा, और आप सोचो कि जो सामने वाली पार्टी ने जो एरिया बताया है वो बताया कुछ है कुछ, ठीक ठीक है है दोस्तों। तो आपका ये आपका एरिया आ गया 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि भी 9 स्क्वायर फीट, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हमारे हरियाणा में क्या है दोस्तों कि जो प्लॉट होते हैं वो गज के हिसाब से क्या है मिलते हैं, कि भाई कितने गज का प्लॉट है, भाई 100 गज का, 50 गज का, 25 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 500 गज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लॉट को क्या हम गज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी हमने हमारा जो एरिया आया है वो स्क्वायर फीट में आया है, तो स्क्वायर फीट से जो है गज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड में। तो 9 स्क्वायर फीट जो होता है आपका, 9 स्क्वायर फीट, ठीक है, 9 स्क्वायर फीट इक्वल होता है आपका 1 स्क्वायर यार्ड के। ये चीज आपको याद रखना है कि भाई 9 स्क्वायर फीट जो है 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है, मतलब जिसको हम सिंपल भाषा में गज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 900 स्क्वायर फीट एरिया है दोस्तों, तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो प्लॉट का जो एरिया है वो आपका आ जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट करने के बाद आपका एरिया आ गया दोस्तों 100 गज, ठीक है, 100 गज का आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे गज लिख दिया है, बट ये होता है स्क्वेयर यार्ड, ठीक है, स्क्वेयर यार्ड वर्ग गज, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे सिंपल हम क्या गज बोलते हैं, तो हम मैंने क्या गज ही लिख दिया, बट होता है ये स्क्वेयर यार्ड वर्ग गज, ठीक है। तो और अगर आपको दोस्तों यही प्लॉट जो है
अगर आपको यही प्लॉट जो है मतलब कि कन्वर्ट करना है कि भी स्क्वायर मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या है 10.764 जो है स्क्वायर फीट जो है इक्वल होता है दोस्तों आपका 1 स्क्वायर मीटर के, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। तो आपका जो टोटल एरिया जैसे यहाँ पे आया था 900 स्क्वायर फीट आता है दोस्तों, 900 स्क्वायर फीट को जब हम जो है 10.764 से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है एरिया वो आ जाएगा आपका स्क्वायर मीटर में, तो 83.612 जो है स्क्वायर मीटर इसका जो है एरिया आ गया स्क्वायर मीटर में, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से जो है हम जो है प्लॉट की जो है कैलकुलेशन करते हैं, आपका प्लॉट कितने गज का है वो निकालते हैं, ठीक है। और मपाई का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका सिंपली क्या करना है, आपको जो भी आपका प्लॉट है जहाँ भी आपका प्लॉट है एक बार तो आपको क्या लंबाई मापनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार थोड़ा, जैसे कि आपका ये है, जैसे यहाँ पे आपका रोड है, रोड से आगे से जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको क्या है इंची टेप मेजरमेंट टेप जो है यहाँ पे आपने रखना है और ये आपको लंबा लंबा जहाँ तक आपका प्लॉट है वो रखना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मेरा ये 30 फीट आ गया। जरूरी नहीं कि ये पूरा कंप्लीट फिट ही हो सकता है दोस्तों आपका वो जो है वो इंचज में भी आए, 30 फुट 2 इंच हो सकता है, 30 फुट 4 इंच हो सकता है और 40 फुट हो सकता है, 50 फुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपका प्लॉट लंबा चौड़ा भी हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका लंबाई हमने यहाँ से फीता रखा, यहाँ हम रख दिया, जितना भी आया आपने नोट कर लिया, उसके बाद हमने इसी एज पे जो है फीता रखना है दोबारा से, जहाँ तक आपका प्लॉट है वो आपने क्या है यहाँ पे इसको माप लेना है कि यहाँ से यहाँ कितना हुआ है, 30 फुट 5 इंच जो भी है आपका नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेम आपका जो है यही पैटर्न रहेगा। और मान लीजिए दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपका जो प्लॉट है ठीक है, ये आपका अगर आपका प्लॉट है तो मान लेते हैं ये आपका 20 फीट ठीक है, इसकी चौड़ाई है 20 फुट 2 इंच मान लेते हैं, ठीक है, और ये 30 फीट इसकी लंबाई है, 30 फीट 1 इंच ठीक है। ये सिंपल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ होती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आपको 2 इंच है और ये आपका 1 इंच है, 30 फीट 1 इंच है, तो इसको आपको क्या है फिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फिट नहीं बनाओगे तो क्या है दोस्तों वो मतलब कि क्या है आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, तो 20 तो आपको ये रहेगा फिट रहेगा और उसके बाद जो है आपका ये 2 इंच जो है 2 इंच को आपको जो है बनाना पड़ेगा क्या फिट, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे 0.16 आएगा, ठीक है, 30 20.16 हो गया इंटू 30 तो आपका है ही, 0.1 का 1 डिवाइड बाई 12 0.8 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से करना है, जो भी आपका इंचज हो उसको क्या आपने 12 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो आए वो आपने पॉइंट करके लिखना है, चाहे आपका 1 इंच है 2 इंच है 3 इंच है 4 इंच है 5 इंच है 6 इंच है 7 इंच है 8 इंच है 9 इंच है 10 इंच है 11 इंच है 12 इंच का तो पूरा फिट होता ही है, बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका आएगा तो पॉइंट करके वो लिख देना है, ठीक है। और बाकी आपका जो एरिया है स्क्वायर फीट में आ जाएगा, अगर आपने फिट में लिया तो उसके बाद 9 से डिवाइड करोगे तो गज में आ जाएगा, और अगर आपको स्क्वायर मीटर में करना है तो आपका 10.764 से जो है आपको उसको डिवाइड कर देना है तो आपका स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो बस ये इतना सा है दोस्तों, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।